जितना कमजोर होगा दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। कब से शुरू करेंगे किंग खान और भाईजान एक साथ टाइगर 3 की शूटिंग? कौन सा महीना चूज किया है दोनों सुपरस्टार्स ने? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ टाइगर 3 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दर्शकों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने एक दिन पहले ही अपनी अपकमिंग मूवी पठान से अपना लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसमें वो शर्टलेस अंदाज में नजर आ रहे हैं। अब खबर आ रही है कि शाहरुख खान आने वाले जून में सलमान खान की मूवी टाइगर 3 के लिए शूटिंग शुरू करेंगे। गौरतलब है कि शाहरुख खान का मूवी टाइगर 3 में और सलमान खान का मूवी पठान में कैमियो रोल है। सलमान खान ने मूवी पठान में अपने कैमियो की शूटिंग कर ली है। फिलहाल अभी दोनों स्टार लगातार बिजी हैं और जून महीने में अपनी अपनी शूटिंग से ब्रेक लेकर फिल्म टाइगर 3 के लिए एक सीक्वेंस को पूरा करने वाले हैं। यूनिट के करीबी लोगों ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान जून में मुंबई में एक सेट पर सलमान खान के साथ मूवी टाइगर 3 के लिए शूटिंग करेंगे। फिलहाल शाहरुख खान स्पेन में मूवी पठान की शूटिंग कर रहे हैं और इस महीने के आखिर में वो मुंबई लौट आएंगे। इसके बाद वो अप्रैल में डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की अनटाइटल फिल्म की शूटिंग करेंगे। वहीं दर्शकों, सलमान खान जल्द ही साजिद नाडियाडवाला की मूवी कभी कभी दिवाली की शूटिंग करेंगे और फिर दोनों स्टार अपनी अपनी शूटिंग से ब्रेक लेंगे और मूवी टाइगर 3 के लिए एक सीक्वेंस को पूरा करेंगे। बताते चले दर्शकों कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी पठान अगले साल यानी 2023 की 25 जनवरी को रिलीज होगी। इस मूवी में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। शाहरुख खान मूवी पठान से चार साल बाद कमबैक करने जा रहे हैं। वो आखिरी बार साल 2018 में रिलीज हुई मूवी जीरो में नजर आए थे। वहीं सलमान खान की मूवी टाइगर 3 आने वाली है। इस मूवी में उनके साथ कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी भी हैं। सलमान इसके अलावा मूवी गॉडफादर में कैमियो करते नजर आएंगे। वेल दर्शकों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।